तो फ्रेंड गुड इवनिंग, आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, हमारे बहुत भाई लोग का कमेंट आता है कि NSH कंपनी का वीज़ा कितने में दिन में आता है और NSH कंपनी का अभी रिक्वायरमेंट है कि नहीं। बहुत से हमारे एक दो हमारे भाई लोग कमेंट कर मतलब किए थे कि मतलब इलेक्ट्रीशियन का या पाइप फिटर का रिक्वायरमेंट अभी चल रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। तो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड देखिए, अभी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट NSH कंपनी का अभी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट चलता है मल्टी लिंक ऑफिस जो है, मल्टी लिंक ऑफिस है मुंबई में, ठीक है। मुंबई में मल्टी लिंक ऑफिस में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट चल रहा है और आप लोग नेट में गूगल में डालेंगे मल्टी लिंक ऑफिस तो आपको एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है ना, मुंबई में है और अभी उसका रिक्वायरमेंट चल रहा है। इसलिए कि 3-4 दिन पहले मैं चेक किया था तो अभी रिक्वायरमेंट दिखा रहा था, पाइप फिटर का था, इलेक्ट्रिकल का था, इलेक्ट्रिशियन का था, ये सब का रिक्वायरमेंट अभी मल्टी लिंक ऑफिस में चल रहा है, ठीक है। और दूसरा चीज़ है फ्रेंड कि हमारे भाई लोग का कमेंट आ रहा है कि वीज़ा कितना दिन में आता है। तो देखिए फ्रेंड, अभी सबका अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है ना। अगर सऊदी का होगा, क्योंकि NSH कंपनी सऊदी में भी है, तो सऊदी का होगा तो सऊदी का वीज़ा समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले गमका का मेडिकल कराना पड़ेगा। गमका का मेडिकल कराने के बाद से आपका 1.5 से 2 महीना लग जाता है वीज़ा आने में, ठीक है ना। 1.5 से 2 महीना के बाद आपका वीज़ा आता है, ठीक है। और दुबई का रहेगा तो दुबई का जल्दी भी आ जाता है, इसलिए कि फ्री जोन का वीज़ा रहता है। फ्री जोन का वीज़ा रहेगा तो आपको 1 से 1.5 महीना में भी आ जाएगा, 1.5 महीना में भी आ जाता है। और सऊदी का, कतर का रहेगा तो 2 से 2.5 महीना में लग जाएगा। लेकिन गमका का मेडिकल, ये ध्यान में रखिए, गमका का मेडिकल दुबई में नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत कम दुबई में, मैंने बीच में नहीं होता था, अभी मालूम नहीं हो रहा है कि नहीं, लेकिन सऊदी में और कतर में अगर आप जाएंगे और बहरीन में, तो आपको गमका का मेडिकल कंपलसरी है, अनिवार्य है, गमका का मेडिकल आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी हमारे भाई लोग गमका का मेडिकल फिट है वही लोग अप्लाई कीजिएगा NSH में, ठीक है ना, क्योंकि गमका का मेडिकल कंपलसरी है और गमका का मेडिकल आपको कराएगा। और गमका का मेडिकल हार्ड होता है, ठीक है ना, 5,500 रुपया आपका लगता है मेडिकल के लिए, उसके बाद से आपका गमका का मेडिकल होता है। गमका का मेडिकल अगर आप फिट होंगे उसके बाद से ही वीज़ा आपका अप्लाई होगा, ठीक है ना। सबसे पहले गमका का मेडिकल कराना पड़ेगा, गमका का मेडिकल करा के उसके बाद ऑफिस को देंगे तभी वीज़ा वो फिर सेंड करेगा, तो फिर वीज़ा अप्लाई होगा, वो देश अप्लाई करेगा, ठीक है। और यही मान के चलिए कि 3 महीना के अंदर में आपका वीज़ा टोटल आ जाता है, ठीक है ना। कोई कोई भाई लोग का लेट होता है, हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी लेट होता है, तो घबराइएगा मत, पासपोर्ट मत निकालिएगा डायरेक्ट। अगर ऑफिस से लगाए हैं तो पासपोर्ट मत लगाइएगा, अगर मल्टी लिंक ऑफिस से आप डायरेक्ट लगाए हैं तो आपका वीज़ा 100% आएगा, क्योंकि NSH कंपनी ऐसी है कि उसके एक बार सिलेक्शन हो गया तो वीज़ा आना ही है, ठीक है। सिलेक्शन आपका ले लिया तो वीज़ा आपको देगा ही, ठीक है। देखिए पीछे हाईवे है, नेशनल हाईवे, देखिए गाड़ियाँ कितनी स्पीड से आ रही है, चल रही है, ठीक है। अभी मैं हूँ रियाद में, सऊदी अरब में, और हम लोग का कंपनी है बेक्टल, ठीक है ना। और तो यही है, अभी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट NSH का ही चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर NSH में आप जाना चाहते हैं तो आप बिंदास अपना जाइए मल्टी लिंक ऑफिस में। ऐसे हम लोग का सिवान और क्या बोलते हैं देवरिया, गोरखपुर, ये सब में रिक्वायरमेंट जाता है, लेकिन इधर ज़्यादा अर्जेंट है, अर्जेंट के थ्रू आपको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग पैसा ज़्यादा ले लेगा, कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो हो सकता है तो डायरेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आप डायरेक्ट ही लगाइए, ठीक है ना। डायरेक्ट आप जाइए मल्टी लिंक ऑफिस में, कनेक्ट कीजिए और डायरेक्ट लगाइए, ठीक है। मल्टी लिंक ऑफिस लगाएंगे तो उसका सर्विस चार्ज है 30 से 35 हज़ार रुपया लमसम लगेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड हो सक, मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि आप लोग को जितना हेल्प किया जाए, जितना बताया जाए, आप लोग का 2 पैसा बच जाए, ठीक है। तो मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फंसे नहीं एजेंट के थ्रू, अपना अच्छी कंपनी में जाएँ और 2 रुपया जाकर कमाएँ, क्योंकि हम सब गरीब ही आदमी हैं, मान लीजिए कि, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि NSH कंपनी में फ्रेश आदमी का भी रिक्वायरमेंट रहता है, ये नहीं है कि रिटर्नर का ही। अगर रिटर्नर हैं तो आपका सैलरी अच्छा लगेगा, लेकिन फ्रेश भी है तो फ्रेश भी NSH उठाती है, जो अभी कहीं पे नहीं गए हैं, कहीं पे मैंने इंडिया में काम किए हैं, सऊदी, दुबई, कतर, मैंने बाहर कहीं काम नहीं किए हैं, उन लोगों के लिए अच्छी कंपनी है NSH। और NSH का ही दूसरा नाम है गल्फ एशिया कंपनी, ठीक है ना। ये मत सोचिए गल्फ एशिया कंपनी कोई दूसरी कंपनी नहीं है, वो NSH ही है, गल्फ एशिया, ठीक है ना। तो गल्फ एशिया अगर का ही भी रिक्वायरमेंट जाएगा तो समझिए NSH का ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसमें भी आप लगा सकते हैं, वो भी NSH में ही जाएंगे, ठीक है ना। अब बाकी सब कैंप के बारे में, कंपनी के बारे में सारा डिटेल, तो और खाने के बारे में, मेस के बारे में, कैंप के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बहुत डाला हूँ। तो जो भी हमारे नए भाई लोग हैं, जो लोग हमारा वीडियो नहीं देखे NSH के बारे में, तो अपना विजिट करिए हमारे चैनल पर और जाकर पूरा वीडियो देखिए,
अखिलेश वर्मा ब्लॉग नाम से ब्लॉग है, ब्लॉग्स बनाता हूँ, उसमें पूरा टोटल वीडियो डाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड ओके गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके आज के लिए गुड बाय, बाय बाय।